रांझना जो है वो एक लव, मतलब ऑब्वियसली पूरी फिल्म प्यार के बारे में है, पर ये प्यार सब लोग कहते हैं कि यार इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव स्टोरी एवरी फिल्म, पर ये बहुत ही ऑर्डिनरी लव स्टोरी है। 8 साल से प्यार करते हैं हम लोग। कुंदन यार वो बचपना था, तो अब तो बड़ी हो गई, अब कर लो। तो आई थिंक ही सेड हाँ, हम लोग ऐसे ही फॉलो करते थे लड़कियां को, हम ऐसे पापा आप ऐसे करते, हाँ मम्मी का तेरी मम्मी के पीछे मैं ऐसे ही गया था। सुबह से शाम पीछा करो, घर के बाहर, स्कूल के बाहर, बाजार में, सड़कों पे, साइकिल पे, रिक्शा में, टेम्पो में, रो दो, खाना खाना छोड़ दो, वजन घटा दो और लड़की को इतना थका दो कि वो थक के हाँ बोल दे। हीरो को लेके फिल्म नहीं साइन करती हूँ मैं, डायरेक्टर के साथ फिल्म साइन करती हूँ। उन्होंने मुझे एक फोटोग्राफ दिखाया कि धनुष साधुओं के साथ मतलब सराउंडेड, और उन्होंने एक गमछा अपने सर पे डाल के ऐसे बंधी हुई थी और वो ऐसे एकदम बहुत ही खूबसूरती से मुस्कुरा रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक्चुअली यू नो सर यू आर राइट, सिर्फ ये लड़का प्ले कर सकता है जी। मैं इस फिल्म में 15 साल से आई थिंक 26 साल की लड़की का मतलब रेंज प्ले कर रही हूँ, एज के रेंज प्ले कर रही हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर लोग मेरे किरदार को याद करते हैं, किरदार का नाम याद करते हैं, जैसे अगर मैं कहीं जाऊँ तो लोग मुझे मसकली या बिट्टू बुलाते हैं, तो फॉर मी दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाए। थोड़ी नर्वसनेस थी कि मैं यूनिफॉर्म में चोटीज के साथ बाहर जाऊंगी तो लोग कैसे यू नो रिएक्ट करेंगे, मैं परफॉर्म कैसे करूंगी इतने सारे लोगों के सामने। इस फिल्म के जो लेखक हैं हिमांशु शर्मा, वो बहुत ही कैची डायलॉग्स लिखते हैं और वो बोलने में बहुत ही पसंद आए मुझे, जैसे कि एक थप्पड़ मारूंगी तो सारी रंगबाजी निकल जाएगी एक मिनट में। आई थिंक नवंबर में मेरे इंडस्ट्री में 6 साल होंगे और मेरी सिर्फ ये मेरी 8वीं फिल्म है, तो हाँ मैं थोड़ी सी चूजी हूँ।